Hey YouTube family, welcome back to the channel guys. आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज आपके लिए लेके आए हैं ऑल न्यू 2022 की FZS FI वर्जन 3 ड्यूलक्स मॉडल, जो कि आपके सामने सॉलिड ग्रे कलर में प्रेजेंट है गाइज। तो आज इसी के बारे में फुल डिटेल रिव्यू करेंगे, और अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं यमहा शिवशक्ति मोटो। तो शोरूम की जितने भी डिटेल्स हैं गाइज, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट्स होंगे गाइज, वो मैं क्लियर कर दूंगा कि कंपनी ने 2022 में क्या कुछ चेंज किया है और क्या कुछ इसमें अभी न्यू आ चुकी है आप सबके लिए, वो सब आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। और इसमें जो उसका एक्स शोरूम प्राइस और ऑन रोड प्राइस क्या चल रहा है हमारे सिटी में, वो भी मैं आप सबको बता दूंगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, आपकी जो भी डाउट होगी वो इस वीडियो से पूरी क्लियर हो जाएगी। दोस्तों कंपनी आपको तीन कलर प्रोवाइड करती है दोस्तों, एक सॉलिड ग्रे, ग्लॉसी रेड और ग्लॉसी ब्लैक। वो दोनों गाड़ी भी जल्दी हमारे शोरूम में आ जाएगी, तो उसकी वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको गाड़ी का प्राइस बता देता हूं। तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो आपको पड़ जाएगा 119,700, और जो इसका ऑन रोड प्राइस है वो सिटी टू सिटी वेरी करता है दोस्तों। तो हमारे सिटी में इसका ऑन रोड प्राइस चल रहा है 144,800। तो कमेंट के थ्रू आप जरूर बताएं कि आपकी सिटी में कितना चल रहा है। बात करें इसके कलर के बारे में, तो कलर फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिलती है आपको, सॉलिड ग्रे कलर मिल जाता है। यहाँ पर आपको यमहा की बैजिंग मिल जाती है। नीचे में बात करें तो नीचे में आपको 3D लोगो मिल जाएगा, FZS लिखा हुआ, वर्जन 3 अब ब्लू और हल्का सा ब्लैक ग्लॉस का फिनिशिंग मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। फ्रंट में आपको क्रोम का वर्क मिल जाएगा नीचे की, और आप अगर देखोगे तो आपको नीचे में एक इंजन काउल मिल जाएगा, यहाँ पर आपको फाइबर का वर्क मिल जाएगा। बात कर लेते हैं इसके फ्रंट सेक्शन के बारे में दोस्तों। तो फ्रंट में सबसे आपको पहले हेडलाइट सेटअप दिख रहा होगा, जो कि कंपनी आपको LED में प्रोवाइड करती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको नीचे में एक पार्किंग लाइट मिल जाता है जो कि हैलोजन बल्ब में है। थोड़ी सी ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाता है यमहा का लोगो, यहाँ पर आपको मिल जाता है नंबर प्लेट लगाने के लिए दो इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं बल्ब में फिलहाल, पर वो आप कंपनी में आके बोलेंगे तो आपको वो LED प्रोवाइड कर देंगे। नीचे की ओर बात करें तो आपको मिल जाता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन 41mm का, यहाँ पर आपको मिल जाता है बॉडी कलर से मैच होता हुआ मड गार्ड, जो कि आप देख सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके टायर सेक्शन के बारे में दोस्तों। तो इसमें आपको टायर सेक्शन मिल जाता है 100x80 का, और 17 से आपको अलॉय मिल जाते हैं। इसमें कंपनी आपको डुअल डिस्क प्रेजेंट करती है, तो फ्रंट डिस्क साइज आपको मिल जाता है 270mm का। इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कैलिबर जो है वो वाइवरी के कैलिबर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, यमहा लिखा हुआ मिल जाता है, और मड गार्ड के ऊपर आपको ABS भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं इसके रेयर सेक्शन के बारे में गाइस। तो रेयर सेक्शन से गाड़ी और ज़्यादा प्यारी लगती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा यहाँ पर इसका कंप्लीट ग्रैब ग्रिल, जो कि आपको मैट फिनिश में मिलता है देखने के लिए। उसके नीचे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको कंपनी दूसरी चीज़ चेंज करके देती है कलर के बाद, वो है इसका टेल लैम्प, जो कि LED में आपको प्रोवाइड हो जाता है। यहाँ पर आपको टेल ID मिल जाएगा, दो इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, एक रिफ्लेक्टर मिल जाएगा सामने, दो रिफ्लेक्टर्स आपको राइट टू लेफ्ट मिल जाएंगे। इसका जो टेल ID है उसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है। नीचे की ओर आपको मिल जाएगा टायर हगर, और उधर साइड बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक सारी गार्ड, जो कि आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिख रही है गाइस। बात कर लेते हैं इसके रेयर टायर सेक्शन के बारे में गाइस। तो वो आपको मिल जाता है 140x60 का, और 17 इंच के आपको ब्लू अलॉय मिलते हैं। और इसका जो पीछे का डिस्क साइज आपको मिल जाता है गाइस, वो मिल जाता है 220mm का। और इसका जो सस्पेंशन आपको मिलता है गाइस, वो मिलता है 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ उसका शॉकर। बात कर लेते हैं इसके एग्जॉस्ट के बारे में दोस्तों। तो एग्जॉस्ट आपको यहाँ पर छोटा सा देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके ऊपर आपको सिल्वर कवर मिल जाएगा देखने के लिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और बात कर लेते हैं इसके सीट के बारे में, तो आपको सिंगल सीट कंपनी प्रोवाइड करती है, जो कि आपकी सीटी और लॉन्ग राइड दोनों में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ही है राइड के हिसाब से। और यहाँ पर आपको मिल जाता है मस्कुलर टैंक, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। 13 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। बात कर लेते हैं इसके डिस्प्लेसमेंट के बारे में गाइस। तो गाइस इसमें आपको कंपनी प्रोवाइड करती है 149cc का इंजन, एयर कूल्ड, 4-स्ट्रोक BS6 कंप्लाइंट। मैक्सिमम PS कंपनी आपको प्रोवाइड कर देती है 12.4 PS, जो कि आपको मिल जाती है 7,250 RPM है। मैक्सिमम टॉर्क आपको मिल जाता है 13.3 Nm टॉर्क, जो कि आपको मिल जाता है 5,500 RPM है। अगर आप लोग नीचे की ओर देखोगे तो यहाँ पर आपको कैटलिटिक कन्वर्टर मिल जाएगा, उसके नीचे आपको मिल जाएगा इंजन काउल। तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है यहाँ पर इसका ऑल ओवर लुक। बात करते हैं इसके नंबर्स ऑफ गियर्स के बारे में गाइस। तो कंपनी आपको 5 गियर प्रोवाइड करती है, 1 डाउन 4 अप। नीचे में आपको डुअल स्टैंड सिंगल स्टैंड का ऑप्शन मिल जाता है। पीछे की ओर आपको दिखेगा तो आपको पिलियन फुटरेस्ट मिल जाएगा देखने के लिए आपको दोनों तरफ। बात कर लेते हैं इसके क्लस्टर के बारे में दोस्तों। तो क्लस्टर आपको डिटेल में मिलता है, उससे पहले आपको यहाँ पर एक की दिख रही होगी इसकी, तो मैं आपको की दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको यमहा का बैजिंग मिल जाएगा, दो की कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। और यहाँ हम इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन करके देख लें तो बहुत ही यूनिक स्टाइल में इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर खुलता है, जिसमें आपको टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, नंबर ऑफ ट्रिप्स आपको दो मिल जाते हैं, क्लॉक मिल जाता है, ऑडोमीटर मिल जाता है। सबसे प्लस पॉइंट आपको इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ABS लाइट भी जला हुआ मिल जाएगा, न्यूट्रल का साइन मिल जाएगा। तो ऑल ओवर चीज़ जो आपकी इंपॉर्टेंट है वो सब आपको कंपनी प्रोवाइड करती है।
यहाँ पर आपको मिल जाता है क्लिप ऑन हैंडल जैसा कि आप देख सकते हैं। तो लाइट का थ्रो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा थ्रो आपको मिलता है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। नीचे की ओर बात करें तो नीचे की ओर आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं लेफ्ट टू राइट, तो मैं भी वो भी आपको ऑन करके दिखा देता हूं। तो फिलहाल ये बल्ब में प्रेजेंट है, आप कंपनी में आके इसे एलईडी करा सकते हैं दोस्तों, उसका अलग कॉस्ट लगेगा। हॉर्न आपको सिंगल हॉर्न मिल जाता है, डिसेंट सा साउंड मिलता है इसमें। यहाँ पर आपको मिल जाता है इंजन ऑफ ऑन करने का ऑप्शन, नीचे की ओर आपको सेल्फ मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पर आपको जो की लगाने का मिलता है वो आपको क्लस्टर के ऊपर नहीं टैंक के ऊपर मिलता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बात कर ले इसके ऑल ओवर लुक के बारे में, तो कलर वाज वेरी नाइस, क्योंकि अभी तक FZS की बेस्ट कलर मैं इसे बोलना चाहूँगा, मुझको बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी। अब बात कर लेते हैं इसके ऑल ओवर ग्राउंड स्पेस, वेट और इसके व्हील बेस के बारे में दोस्तों। तो व्हील बेस होता है रियर टायर से फ्रंट टायर का बीच का रेडियस, तो वो आपको मिल जाता है 1330 mm का, और ग्राउंड स्पेस आपको मिल जाता है 165 mm का। बात कर लेते हैं इसके सीट हाइट के बारे में दोस्तों, तो वो आपको कंपनी प्रोवाइड करती है 790 mm की, तो 5.6 के पीपल इसे आराम से राइड कर पाएंगे, कोई भी इशू नहीं होगी। बात कर लेते हैं इसके ऑल ओवर वेट के बारे में दोस्तों, तो वो आपको मिल जाता है 135 kg का कर्व वेट, इसका टोटल वेट आपको मिल जाता है गाइस। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इसके एग्जॉस्ट नोट के बारे में गाइस, तो वो भी मैं आपको अभी सुना देता हूँ। तो चलिए गाड़ी को स्टार्ट करके इसका एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं कि कैसा साउंड है इसका। तो गाइस सबसे पहले हमने गाड़ी का न्यूट्रल कर दिया है, क्योंकि इसमें आपको कट ऑफ सेंसर भी मिल जाता है। तो अब इसे स्टार्ट करके देखते हैं इसकी साउंड कैसी आ रही है। ये हमने स्टार्ट किया बाइक को, बहुत ही प्यारी आवाज़ है, रिफाइंड आवाज़ है, रोड प्रेजेंस आपका इनहेंस ज़रूर करेगी दोस्तों। गाइस हमने बात कर लिया है इसके कलर के बारे में, इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में, इसके प्राइस के बारे में, और अभी इसके साउंड के बारे में भी हमने बात कर लिया। तो ऑल ओवर देखा जाए तो FZS वर्जन 3 डिलक्स मॉडल बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है, क्योंकि अभी तक जितने भी मैंने FZS देखे हैं मॉडल्स, उसमें से सबसे प्यारी कलर मुझको यही लगी देखने के लिए। तो अगर आप लोकल या फिर गिरिडीह के आसपास से बिलोंग करते हैं तो आप शिव शक्ति मोटो आके गाड़ी को ज़रूर देख सकते हैं। तो गाइज आज का जितना भी आपका डाउट होगा होपफुली मैंने सब क्लियर कर दिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक एक कमेंट ज़रूर करें वीडियो को, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय एंड टेक केयर।